मशकर अब खबर बहराइच से। थोड़ी सी जमीन को लेकर दो पक्ष ऐसा आमने सामने आए कि एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। मर्द तो मर्द, औरतों ने भी इस खूनी संघर्ष जमकर लाठी डंडे और लात खून से चलाए। मामला प्रयागपुर थाना इलाके के छठी बड़ाई पूर्वा गांव का है। इस संघर्ष में दोनों पक्ष के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया दिया है और दोनों की ओर से मिली तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। प्रयागपुर के बड़ी पूर्वा नथु और राम सुहावन के परिवार के चार बिस्मा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दो दिन पहले जब नथु जमीन का निर्माण करवाने लगा तो दूसरे पक्ष के इसके तहत एतराज किया और मामला थाने पहुंच गया। पुलिस ने मामले तत्काल रूम में किसी तरह के निर्माण रोक लगा दी और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कल दोपहर रोक के बावजूद निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया तो दूसरे पक्ष ने विरोध किया, जिस पर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, जहां पुरुषों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला बोल दिया तो वे महिलाओं ने ईंट पत्थर से एक दूसरे को मुंहतोड़ जवाब देने में जुट गए। इस संघर्ष में लगभग 7 लोग घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर फोर्स तैनात कर दी है ताकि हालात काबू में रहे और किसी भी तरह का विवाद ना पनपे। बहराइच से चैनल लाइव के लिए राजकुमार की स्पेशल रिपोर्ट।